प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि बी प्लस ट्री में ऑर्डर्स इंटरनल नोड एंड लीफ नोड के डिफरेंट होते हैं। हम बी ट्रीज में हमारा ऑर्डर सेम था इंटरनल नोड लीफ नोड का, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि किस तरह से अलग होगा एंड इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्च की फील्ड इज 9 बाइट्स, द ब्लॉक साइज इज 512 बाइट्स, अ रिकॉर्ड पॉइंटर इज 7 bytes, a block pointer is 6 byte. And what is the order of the internal node and leaf node? जब भी ऐसा question पूछा जाए तो समझ जाना कि अलग अलग हो सकता है। Now, दोनों का structure यहाँ पे दिखाया है मैंने। Internal node का structure किस तरह से होगा, ये block pointer है, यानी कि ये child को block point कर रहा है और ये key values है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी number of children होंगे एक block के अंदर, यानी कि block pointers जितने भी होंगे उतना हमारा order होगा। तो यहाँ पे लीफ नोड के लिए हमारा ऑर्डर क्या होगा, n, ओके, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे की कितनी होगी, n माइनस वन, यानी कि जितने भी ब्लॉक पॉइंटर होंगे उससे एक कम। तो यहाँ पे हमारे ब्लॉक के अंदर क्या क्या होगा, सो हमारे पास n ब्लॉक पॉइंटर्स है, तो n ब्लॉक पॉइंटर्स और n माइनस वन की है, तो n माइनस वन की। और ये सब का हम एडिशन करते हैं तो क्या होगा, लेस ऑर इक्वल टू 512। 512 क्या है, हमारा ब्लॉक साइज है, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर क्या होगा, n ब्लॉक पॉइंटर्स और n माइनस वन कीज। तो या तो इससे इक्वल होंगे या तो इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। नाउ यहां पे ब्लॉक पॉइंटर की साइज क्या दी गई है, तो ब्लॉक पॉइंटर की साइज यहां पे 6 दी गई है। एंड यहां पे की साइज क्या, की फील्ड इज ऑफ 9 बाइट्स, तो यहां पे 9 एंड लेस ऑर इक्वल टू 512। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 6n प्लस 9n, तो 15n माइनस 9 इज लेस ऑर इक्वल टू 512। और ये मुझे यहाँ पे मिलता है, 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो इट इज बेसिक मैथमेटिक्स, तो 15n और इज लेस ऑर इक्वल टू 521, और n इक्वल्स टू, n इज लेस ऑर इक्वल टू 521 अपॉन 15। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमारा आंसर आता है n इक्वल्स टू 34 पॉइंट समथिंग, ओके समथिंग, दैट मींस एक्यूरेट आंसर कुछ इस तरह से 34.5। सो यहां पे हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे एक ब्लॉक के अंदर, इंटरनल नोड के अंदर, तो यहां पे 34 होंगे, 34 से ज्यादा नहीं होंगे, 34 होंगे और थोड़ी हमारे पास जगह रह जाएगी। तो यहां पे n की वैल्यू, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड कितना होगा, 34 होगा। नाउ यहां पे लीफ नोड की हम बात करते हैं, तो लीफ नोड का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। लीफ नोड में क्या होता है, यहां पे अगर की वैल्यू है, की है, तो उसके साथ रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा। तो यानी कि ये बी ट्री का जो हमारा नोड्स था, इसी तरह का नोड यहां पे भी है, लेकिन एक फर्क है। यहां पे क्या है कि जितने भी हमारे पास की वैल्यूज है उतने ही हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर है, लेकिन हमारे पास एक ब्लॉक पॉइंटर है। वो ब्लॉक पॉइंटर कौन सा है, वो नेक्स्ट लीफ नोड को पॉइंट करता है, वो ब्लॉक पॉइंटर है, यानी कि एक ही ब्लॉक पॉइंटर होगा लीफ नोड में। नाउ यहां पे अगर मैं कहूं तो की वैल्यू, की कितनी है हमारे पास, सपोज यहां पर लीफ नोड का ऑर्डर है एम, ओके लेट अस कंसिडर एम, तो यहां पे मेरे पास एम नंबर ऑफ कीज होगी और एम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, तो यानी कि m इंटू की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, ओके m नंबर ऑफ कीज एंड रिकॉर्ड पॉइंटर, तो की और रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज हम प्लस कर देंगे, प्लस एक ब्लॉक पॉइंटर है तो पी बी लेस ऑर इक्वल टू 512। नाउ यहां पे हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो यहां पे की वैल्यू, की वैल्यू क्या है 9 प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू क्या है 7 एंड ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू यहां पे है 6 is less or equal to 512. So, यहाँ पे 9 plus 7, it is 16m is less or equal to 6, यहाँ पे आ जाएगा, तो it will be 506, okay. And m is less or equal to 506 upon 12. And this gives me m equals to, तो हमारा आंसर आएगा कुछ 31 point something आएगा, okay. 31 point something. So, यहां पे ऑर्डर ऑफ लीफ नोड, यानी कि कितने हमारे पास की और रिकॉर्ड पॉइंटर के पैर होंगे, 31 पैर होंगे यहां पे मैक्स टू मैक्स, 31 से ज्यादा नहीं होंगे, हमारे पास थोड़ी जगह रह जाएगी, तो m इक्वल्स टू यहां पे क्या मिल रहा है 31। नाउ
यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड एंड लीफ नोड, तो इंटरनल नोड का आया 34 एंड लीफ नोड का आया 31। सो यहाँ पे अगर सेम आते हैं तो सेम रख के चलना है, अगर डिफरेंट आते हैं तो अलग अलग, जो भी हम फाइंड करते हैं इस तरह से। सो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, हम इंसर्शन एंड डिलीशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।